अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बड़े काफ़ी अफसोस की बात है, मैं लेकिन ना आपके साथ शेयर करूँ। ये रूम, ये घर मेरा सपनों का घर, जिससे मैंने रेसिपी बनाना स्टार्ट करी, मेरा घर जो ये मेरा बहुत लकी घर है, इसके लिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि ये मुझे खाली करना है, क्योंकि एक साल मेरा कंप्लीट हो गया है और एक साल में घर खाली करना होता है। तो मुंबई में अक्सर छोटे छोटे घर होते हैं, उसी में सब कुछ होता है। तो जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी मेरा किचन, मेरा ये बेडरूम कैसा है। देखो मेरा, ये मेरी बेटी बैठी है अनाव्या, इसी के नाम से मेरा किचन है। तो ये मेरा छोटा सा घर है, 10x15 का, भाड़े से थे हम लोग, तो एक साल हो गया कंप्लीट, लेकिन इससे काफ़ी यादें ये घर में जुड़ गई है, क्योंकि मैंने यहीं से बनाना वीडियो शुरू करी, जो भी शुरू की यही घर से करी। तो ये देखें, मैंने ये फुट्टे का बनाई हूँ, तो काफ़ी खूबसूरत है, छोटे मोटे सामान इसमें आ जाएंगे, लेकिन मैं निकाल नहीं सकती क्योंकि फुट्टे का है तो नहीं निकल सकता। तो ये देखिए कपड़े, मैंने यहाँ पे कपड़ा डालने का, घर में यहाँ पे कपड़ा घर में ही डालना होता है, मुंबई में छोटे छोटे घर होते हैं तो घर में ही डालना होता है कपड़ा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऊपर यहाँ पे रस्सी भी बांध के रखी हूँ, तो घर में ही कपड़ा डाला जाता है, तो घर में ही डाली हूँ कपड़ा। और यहाँ मेरा वाशिंग मशीन, फ्रिज, कितना देर मैंने घर का अपना सेटिंग की थी, और बहुत अफसोस हो रहा है कि मुझे खाली करना है। तो मकान मालिक तो बोल दिया है, लेकिन करना तो है। सब रूम देख रहे हैं, अब देखते हैं कैसा घर मिलेगा, वो कैसा रहेगा। किचन मेरा कितना खूबसूरत किचन था, किचन को मैंने कितने अच्छे से सजाई थी, काफ़ी खूबसूरत था। यहीं पे मैं रेसिपी बनाती थी तो यहाँ से दिखाती थी, अब दूसरा दोबारा मुझे इतना अच्छा किचन मिलेगा कि नहीं, क्या पता। ये अफसोस हो रहा है मुझे काफ़ी, मैं लेकिन आपके साथ शेयर करूँ। तो आप मुझे देखेंगे दूसरा घर जो भी मिलेगा, कैसा मिलता है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखें मेरा ये स्टैंड मैंने यहाँ पे लगाई थी, मैंने काफ़ी सोच सोच के लगाई थी यहाँ पे, ये चीज़ अच्छा लगेगा बोल के। देख कितना खूबसूरत, और ये मैं बैग, मेरा पर्स है, ये मेरी शादी में मुझे मिला था, तो मैंने वो और ख़राब हो गया तो मैंने फेंकने से अच्छा मैं यहाँ टांग देती हूँ, कुछ सामान मेरे आ जाएंगे छोटे मोटे से, तो यहाँ पे मैं टांग दी थी, उसमें सामान कुछ भी रख देती हूँ, जैसे किचन का कुछ भी होता है तो वो रख देती हूँ। देखिए मेरा किचन कैसा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा किचन। अब देखते हैं दोबारा मेरा कैसा किचन होता है, कैसा घर मिलता है, अब उसको देखेंगे। काफ़ी खूबसूरत किचन है मेरा, बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ मैं, देखिए बाहर का नज़ारा मेरा कैसा है। ये चौल है, तो चौल में छोटी छोटी गली होती है यहाँ पे, हाँ बड़ी नहीं होती है। देखिए यहाँ पे बाजू में कुत्ता भी है, सोने की कोशिश कर रहा है वो, क्योंकि रात के यहाँ पे अभी 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे तक आराम से सब सोते हैं। तो देखिए बाहर पानी गिरा हुआ है, तो उसे समझ में आपको आ रहा होगा कि अभी सब लोग दरवाज़ा बंद किए हैं, तो सब लोग दरवाज़ा जब बंद कर लिए तब मैं वीडियो चालू की, ताकि किसी को पता ना चले। और फिर भी दो तीन लोग जाने लगे तो मुझे वीडियो कट करना पड़ा, फिर भी एक दो लोग तो आ ही गए वीडियो में। हाँ तो 3 बजे भी देखिए लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पे रात भर सब चलते ही रहते हैं, अगर आप रोड पे निकल जाएं तो रात होती नहीं है यहाँ पे, जैसे हमेशा कोई ना कोई मिलेगा ही। तो मुझे और मेरा ये बाथरूम भी मैं दिखाती हूँ, देखिए कितना खूबसूरत बाथरूम भी है मेरा, मुझे बहुत ये घर मेरा लकी घर है, लेकिन बड़ा अफसोस है मुझे कि मुझे खाली करना पड़ेगा, ये अपना नहीं है। तो जिसका अपना है ना घर, तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा खुद का घर है, जैसा खुद का नहीं है उसके दिल से पूछे कि हाँ घर में कितना सपना लगाते हैं, सपना सजाते हैं, एक एक चीज़ लाके जगह पे रखते हैं, और फिर बाद में उसको बड़े अफसोस से खाली करना पड़ता है। खाली तो करना है, दूसरे का है तो खाली करना ही है। अरे मैंने तो आपको ये बताया ही नहीं, ये देखिए ये स्टैंड मैंने बनाई थी, कफ स्टैंड बनाई थी मैंने अपने हाथों से, ये भी नहीं निकल सकता, इसका अफसोस मुझे रह जाता है कि ये मैंने बनाई थी, कितना खूबसूरत है। यू पिन जो बाल में लगाते हैं ना, बस वही यू पिन मैंने लगाई थी फुट्टे में लगा के, और फिर फेविकॉल को थोड़ा पानी मिक्स करके उसको चिटकाई थी दीवार पर। तो ये अगर खुद का होता था तो मुझे कभी हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अब ये भाड़े से है तो मुझे ये निकाल के फेंकना पड़ेगा, और फुट्टा है तो निकलेगा नहीं अच्छे से। तो ये मेरा किचन है, मेरा वाकई भी खूबसूरत किचन है, मुझे मेज जैसा भी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा आपको मेरा किचन कैसा लगा, मैंने कैसा रखी थी घर को, सही रखी थी कि नहीं, कुछ ऐसा ख़राबी लग रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। मेरी बच्ची की गाड़ी है यहाँ पे रखी मैंने, और ये भी मैंने फुट्टे का बनाई थी, तो ये छोटे मोटे दवा जैसा हुआ मेरा फेशियल है, ये फेशियल मेरा ना बहुत अच्छा फेशियल है, 4 फेशियल है। अगर आपको
चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसका बता आपको पूरा अच्छे से बताऊँगी इसका कौन सा फेशियल है, कहाँ से लेना है, कैसा है। ये बहुत अच्छा फेशियल है, अगर ये फेशियल एक बार कर लेंगे ना चेहरे पर तो आपको खुद को यकीन नहीं होगा इतना चेहरा चेंज कर देता है माशाल्लाह से। बहुत अच्छा फेशियल है और हमेशा फेशियल करते रहना चाहिए चेहरे पे, क्योंकि अपना जो नेचुरल जो अल्लाह पाक ने दिए हैं वो कलर हमेशा रहता है बरकरार, अगर फेशियल करते हैं तो ये फ़ायदा होता है। तो इसके लिए फेशियल करना चाहिए और हमेशा घर में रखना चाहिए करने के लिए, हफ्ते में महीने में करते रहना चाहिए हर औरतों को, क्योंकि घर का काम करते करते फुर्सत नहीं होता है ना। इसके लिए मैंने देखा मेरा चार है ये फेशियल और कितना खूबसूरत, ये मुझे अफसोस रहो ज़्यादा कि ना ये निकल नहीं सकता। तो ये मेरा स्टेन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में, और मेरा वो कफ का भी स्टेन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ये फेशियल के बारे में आपको अगर चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो उसका मैं अलग से वीडियो बना के आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। और ये मेरा छोटा सा घर मेरे सपनों का कैसा लगा, कैसा घर है, और इंशाल्लाह कोशिश तो हम लोग भी कर रहे हैं, अल्लाह पाक जब देंगे इंशाल्लाह खुद का होगा तो वो भी हमें आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अभी फ़िलहाल दूसरा रूम देख रहे हैं, देखते हैं आप कैसा रूम मिलता है वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ से देखिए पूरा मेरा घर कैसा है, मेरा किचन कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह दो तीन दिन में हम लोग खाली कर देंगे, मिलती हूँ फिर एक दूसरे घर के साथ। अल्लाह हाफिज़।